आस्था भक्ति और श्रद्धा विश्वास का शरदीय नवरात्रि महोत्सव 26 सितंबर से हिंदुस्तान में आयोजित होने जा रहा है। यह महोत्सव श्रद्धा भक्ति के साथ साथ जीवन जीने की नई कला और मां भक्ति में खोने के साथ साथ उमंग उत्साह और उल्लास शरदीय नवरात्रि के रूप में हम मनाते हैं। SMS न्यूज़ के माध्यम से आज आपको एक ऐसी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जो आपको व्याकुल करने के साथ साथ आर्त भी करेगी। जी हाँ, राजगढ़ नाका मित्र मंडल द्वारा कल एक नवरात्रि महोत्सव को लेकर बैठक आयोजित की गई। उसमें कुछ ऐसे निर्णय लिए गए हैं और वो निर्णय क्या है, क्यों इस वजह से उन्होंने निर्णय लिए हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। दरअसल पूरे मामले की यदि बात करें तो राजगढ़ नाका मित्र मंडल का जो नवरात्रि महोत्सव आयोजित होता है प्रतिवर्ष, इस बार वह चल समारोह और नवरात्रि महोत्सव सिर्फ घट स्थापना तक ही सीमित रहेगा। वह उत्सव आयोजित नहीं करने वाले हैं। उसके पीछे मेन रीज़न है 14 महीने तक रही कमलनाथ सरकार के समय जो वहां पर सार्वजनिक स्थल था, जहां पर नवरात्रि होती थी, जहां पर गरबा घुमा जाता था और अन्य जो सार्वजनिक आयोजन वहां पर होते थे, जैसे गणेश उत्सव है, मटकी फोड़ का आयोजन है, जन्माष्टमी का आयोजन है और भी विवाह उत्सव या फिर गमी या मांगलिक आयोजन होते हैं, वो पूरे जो खुला क्षेत्र था उस पर तार फेंसिंग करके ताला लगा दिया गया है। राजगढ़ नाका मित्र मंडल के जो सदस्य हैं उनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि जब तक यह तार फेंसिंग हट नहीं जाती है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी पक्का कंस्ट्रक्शन नहीं है। नवरात्रि को लेकर जो बात है वो मीटिंग में क्या सार्वजनिक डिसीजन लिए गए आपको सुनाते हैं वरिष्ठ शैलेश दुबे की जुबानी, आइए सुनिए। आज मित्रमंडल की बैठक रखी गई थी। विगत 2 वर्षों से कोरोना की विभीषिका के चलते ये आयोजन हुआ नहीं था। ये तीसरा वर्ष है। केवल प्रतीक स्वरूप हम माताश्री की स्थापना करते थे और प्रतीक स्वरूप ही गरबों का आयोजन कर रहे थे, परंतु आज जो बैठक हुई है उस बैठक में निर्णय लिया गया है कि जो हमारा परंपरागत गरबा स्थल है उसको कमलनाथ की सरकार के समय कांग्रेस के कुछ नेताओं ने, विधर्मियों ने उसको बलात् हमसे वो ज़मीन खाली करा ली गई थी और वहाँ पर कोई पक्का निर्माण नहीं था, लेकिन फिर भी उस पर ज़बरदस्ती तार फेंसिंग करके उस पर गेट लगा दिया गया था। आज मित्र मंडल की बैठक में निर्णय हुआ है कि हम जिला कलेक्टर, प्रभारी मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, इन सबको इससे अवगत कराएंगे, क्योंकि ये ज़मीन बरसों बरस से हमारे पास के गांव राती तलाई जो झाबुआ शहर में स्थित है, उनका होलिका दहन का ये पवित्र स्थल है, उनके सारे धार्मिक रीति रिवाज इसी ज़मीन पे संपन्न होते हैं। हम भी यहाँ पर बरसों बरस से गरबों का आयोजन कर रहे थे और पास में ही जो महिला मंडल का एक बड़ा आश्रम है, निराश्रित आश्रम है, उस आश्रम के बच्चे भी खेलकूद के लिए इस मैदान का उपयोग करते हैं। अनावश्यक रूप से इस ज़मीन को तार फेंसिंग करके उस पर ताला लगाना, गेट लगाना, ये सारी चीज़ों से संपूर्ण समाज, हिंदू समाज और हिंदू समाज के साथ साथ पूरे शहर में बड़ा आक्रोश का वातावरण है। इसलिए हमने ये तय किया है कि इस वर्ष जब तक उस ज़मीन गरबा ग्राउंड हमारे लिए उपलब्ध नहीं होगी, तब तक हम बड़े पैमाने पे गरबे का आयोजन नहीं करेंगे। प्रतीक स्वरूप माता रानी की स्थापना होगी और प्रतीक स्वरूप इसी बगीचे में गरबों का आयोजन होगा, ऐसा सबने निर्णय किया है। चल समारोह को लेकर भी आज यही निर्णय हुआ है कि जब तक ये जो समाज की ज़मीन है ये समाज को वापस दी जाए, यानी हमने किसी संस्था के नाम से ज़मीन के लिए कोई आवेदन नहीं किया है। हम सबका यह कहना है कि राजस्व रिकॉर्ड में ये ज़मीन सार्वजनिक हित के लिए चिन्हित की जाए, ताकि आदिवासी समाज और शेष समाज सबके जो परंपरागत कार्यक्रम यहाँ पर होते आ रहे थे सदियों से, बरसों से, वो निर्बाध रूप से चलते रहें, हमारी ये मांग है। और जब तक ये मांग हमारी मंजूर नहीं होगी, शासन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं होगा, तब तक हम देश भर में चर्चित हमारा चल समारोह जो विभिन्न संस्कृतियों का आयाम होता था, जिसमें लघु भारत के दर्शन होते थे, इस आयोजन को भी हम तब तक के लिए निरस्त कर रहे हैं, ऐसा हम सब लोगों के बीच में आज निर्णय हुआ है।